हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ए आर वी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे BS6 की। जो गाड़ियां आ रही हैं आजकल, सारी BS6 ही आ रही हैं अब तो, नई लेटेस्ट। तो BS6 की कुछ गाड़ियों के हमने एयर फिल्टर लिए हैं, जैसे ये होंडा में ले लिया हमने, दोनों TVS में ले लिए, एक हीरो में ले लिया और बजाज में भी अभी भाई ऑर्डर डाला हुआ है। देखो अभी माल आएगा, शॉर्ट चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, तो सोचा जितना है उतना तो आपको दिखाई देते हैं। तो ये BS6 के एयर फिल्टर हैं भाई, सोचा आपको इनके अनबॉक्सिंग दिखाएं, लेटेस्ट प्राइस हैं, कैसी क्वालिटी है, क्या डिज़ाइन है, क्योंकि BS6 की जितनी भी गाड़ियाँ हैं आजकल सबके अंदर ऑलमोस्ट एयर फिल्टर के जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल बदल के रख दिए हैं। पहले जैसा एयर फिल्टर किसी भी गाड़ी में नहीं आ रहा जो BS4 है। बहुत ही रेयर चांस होगा कि किसी स्कूटी के अंदर BS6 जो आई है उसके अंदर BS3 या BS4 वाला एयर फिल्टर निकलेगा, बहुत ही रेयर चांस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने होंडा के एयर फिल्टर से। तो ये हमारा साइन BS6, देखो मैंने पेन से मार्कर से लिखा हुआ है साइन BS6। और होंडा साइन के अंदर जो ओल्ड में जो एयर फिल्टर आता था वो अलग आता था, बिल्कुल चौरस वाला, और अब जो BS6 के अंदर आ रहा है बिल्कुल डिज़ाइन बदल दिया है। तो इसका भाई सबसे पहले पार्ट नंबर देख लेते हैं। पार्ट नंबर है इसका 17220 KOND00 एलिमेंट कंप्लीट एयर सी, यानी क्लीनर एयर, क्लीन मतलब एयर को क्लीन करेगा ये, और उसी का एलिमेंट है। तो भाई MRP इसकी ₹128 है, जो कि पुरानी है, अब 135 हो गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 2020 की पैकिंग है, तो ये सितंबर 2020 की है, इसीलिए ये पुरानी है। अब तो शायद लेटेस्ट पैकिंग आ गई है और लेटेस्ट MRP भी बढ़ गई है। तो इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, डिज़ाइन वगैरह देखते हैं इसका। तो भाई ये हमारा साइन BS6 का एयर फिल्टर है, जो कि बिल्कुल देख रहे हैं आप, डिज़ाइन देख लीजिए, ये डिज़ाइन है इसका, बिल्कुल सील्ड पैक है, इधर से अलग लेदर है, इधर से अलग लेदर है। और ये भाई हमारा जो इसके अंदर कुछ केमिकल वगैरह होते हैं, ऑयल डिप्ड एयर फिल्टर है ये बेसिकली। और यहाँ पे देखो होंडा लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है कुछ PPTD, कुछ प्लास्टिक का कोड है ये हमारा इसका। और यहाँ पे KON जेन्युइन पार्ट नंबर होगा इसका, जो बेसिकली होंडा साइन BS4 या BS3 जो आती थी उसके अंदर KTE पार्ट नंबर चलता था, KTE। और यहाँ पे देखो इसमें KON लिखा हुआ है, BS6 साइन के अंदर KON पार्ट नंबर चलता है, लिखा हुआ है KON। तो भाई ये हमारा होंडा साइन BS6 का एयर फिल्टर है, जो कि सिर्फ ₹128 MRP है। वो पुरानी है वो एक अलग बात है, अब नई बढ़ गई है। तो भाई इसे अलग करते हैं। अब आते हैं अपना दूसरा एयर फिल्टर, जो कि हमारा अपाची RTR BS4 का एयर फिल्टर है, 204V। अपाची 204V हो या अपाची 164V हो, दोनों में सेम लग जाता है, परंतु वहीं BS6 में इन्होंने जो एयर फिल्टर है वो कर दिया अलग। तो अभी दोनों को एक साथ करेंगे, सबसे पहले BS4 की एयर फिल्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये हमारा पार्ट नंबर है N9041910, नेट क्वांटिटी 1 पीस यहाँ पे लिखा हुआ है। MRP है इसकी ₹228 और इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, जो कि आप इसे स्कैन करोगे अगर, तो आप TVS की एक मतलब TVS के डायरेक्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जहाँ क्लिक करने से इसकी जो है TVS की जेनुइन डिटेल आ जाती है, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि प्रोजेक्ट लोकल है या जेनुइन है। बाकी यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट फिल्टर होल्डर कंपोनेंट, और मैन्युफैक्चरिंग इसकी 8वां महीना 2021। इसकी पैकिंग लेटेस्ट है, 2 महीने पुरानी है। और यहाँ पे भाई ₹228 का एयर फिल्टर है, ये थोड़ा सा अलग है, इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं जब कर रहे हैं, तो भाई अनबॉक्स करके पूरा देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा अपाची RTR 4V का एयर फिल्टर है, जो कि देखने में बिल्कुल अलग ही है। थोड़ी बहुत प्लास्टिक के ऊपर जो है, प्लास्टिक जो है एयर मतलब पेपर के ऊपर चढ़ गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि लोग है। जेनुइन में भी थोड़ा सा फिनिशिंग का फर्क आ जाता है, पर इतना नहीं आता, लोकल में तो बिल्कुल फ़र्क आएगा। तो यहाँ पे गत्ता है इसके अंदर, देखिए कुछ अंदर भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखते हैं चलिए। तो भाई ये जो है पेपर पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 27 जुलाई 2021, यानी 27 जुलाई 2021 मैन्युफैक्चरिंग होगी इसकी, इसलिए इस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर कुछ पार्ट नंबर वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ये रहा। तो यहाँ पे भाई पार्ट नंबर दिया हुआ है इस पर जेनुइन का N9041910, यानी कि N9041910, और वही पार्ट नंबर सेम टू सेम TVS के जेनुइन फिल्टर पर भी है, मतलब इसकी पैकिंग पे N9041910। तो भाई जेनुइन दोनों एयर फिल्टरों पर जो वो है पार्ट नंबर सेम है, तो वहीं पे ये BS4 के अंदर लगेगा। मतलब BS4 जो हमारी अपाची 164V हो या 200 हो, दोनों अगर BS4 का मॉडल है, पुराना मॉडल है, तो ये वाला एयर फिल्टर आएगा। अब आते हैं BS6 पे, जो कि इन्होंने इससे और छोटा कर दिया। अपाची के अंदर बेसिकली अभी तक एक ही तरह का फिल्टर आता था, वो भी फोम वाला, ठीक है, अब इन्होंने गत्ते वाला निकाला है, और जितने भी मॉडल आएंगे सब में गत्ते वाला ही आएगा। तो ये हमारा अपाची BS6 का एयर फिल्टर है भाई, और पार्ट नंबर है इस पर NF, पहले N से था और अब NF हो गया, तो NF040370। और यहाँ पे इसकी MRP बढ़ा दी इन्होंने, ₹251 कर दी। तो भाई पहले BS4 था तो MRP थी हमारा 228, BS6 हो गया तो सीधा ₹25 बढ़ा दिए। मतलब BS6 के नाम पे देखो प्राइस तो बढ़ने ही बढ़ने, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी महंगी हैं,
तो भाई प्राइस स्पेयर पार्ट्स के भी बेसिकली ऑब्वियसली मतलब महंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भाई लिखा हुआ है नेट क्वांटिटी वन पीस दोबारा से, और प्रोडक्ट है फिल्टर होल्डर कंपोनेंट, सेम टू सेम जो स्टिकर पे BS4 के लिखा था वही है। इसे अनबॉक्स करते और देखते जो इसकी क्वालिटी है वो कैसी है। तो भाई ये हम इसे बाहर कर लेते हैं पैकिंग से, और देखेंगे आपकी बिल्कुल डिट्टो देखने में सेम है, कोई फर्क नहीं है सिवाय डिज़ाइन के अलावा, मतलब साइज़ के अलावा। तो देख लीजिए आपके सामने रखे हुए, अगर आपको लगे कि कोई भी फ़र्क है सिर्फ साइज़ को छोड़ के तो बताइए। ये देख लीजिए आपको बिल्कुल डिट्टो हर चीज़ जैसी इसमें है वैसी ही इसमें, सेम डिज़ाइन सबको सेम है, बस साइज़ छोटा कर दिए और प्राइस बढ़ा दिए। मतलब माल भी कम लग रहा है, क्वालिटी भी मतलब मटेरियल कम लग रहा है और प्राइस ज़्यादा है। तो ये भाई कंपनी कर रही है BS6 के नाम पे कस्टमर को जो है मतलब इसे लूटना कह लो या जो मर्जी कह लो, अब इसे तो भाई हम कुछ कह नहीं सकते। और यहाँ पे भाई पार्ट नंबर इन्होंने दिया हुआ है, TVS ने अपना TVS का मार्क दिया हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है TVS, और यहाँ पे इन्होंने बाकी NF पार्ट नंबर शो किया हुआ है NF040370। तो TVS का पार्ट नंबर भी है और TVS का फिल्टर देख लीजिए, एक के ऊपर एक चढ़ाओगे तब भी बहुत जगह बच रही है, इतना मतलब ज़्यादा इन्होंने छोटा कर दिया है साइज़ में, इतना हिस्सा इतना बड़ा इतना गैप दे दिया। तो BS4 के अंदर बड़ा है और BS6 के अंदर और छोटा कर दिया। तो अब आते हैं अपना लास्ट एयर फिल्टर पे, जो कि हमारा है iSmart का। वैसे कहने को ये मतलब iSmart का एयर फिल्टर है, परंतु वहीं अगर HF Deluxe BS6 में भी आप इसे लगाओगे तो यही लगेगा, BS6 HF Deluxe में भी यही लगेगा, और iSmart न्यू मॉडल जो आ रही है उसमें भी यही एयर फिल्टर आता है। और भाई यहाँ पे इसका पार्ट नंबर है 17208AAT000S होल्डर कंपोनेंट कंप्लीट या कंपोनेंट होल्डर कंपोनेंट ही बोलेंगे, होल्डर कंपोनेंट एलिमेंट। यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है जिसे आप स्कैन करोगे तो आपको ये जो UPI कोड है ये शो हो जाएगा, और इस UPI कोड को आप इस नंबर पे SMS करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जेन्युइन है या लोकल है। तो ये तो भाई जेन्युइन है 101%। 240 रुपये MRP है, पहले 240 थी अब तो 260 हो गई है, और 9वां महीना 2021 की MRP है, 11वें महीने में इसकी 260 MRP हो गई है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। MRP सारी कंपनियां लगभग बढ़ा ही रही हैं, बस एक हीरो या TVS का बजाज के सभी बढ़ा रही हैं। तो इसे भी अनबॉक्स कर लेते हैं भाई और देखते हैं फटाफट से इसकी क्वालिटी और जेन्युइन पेपर की क्वालिटी। तो एक और पन्नी में ये पैक है, इसमें से भी बाहर निकालते हैं। यहाँ पे भाई ऑयल जो है इसके ऊपर लगा हुआ है, और फिल्टर का जो पेपर है देखेंगे ना आप अगर तो एक अलग ही लेवल की क्वालिटी है। देख रहे हैं पेपर के अंदर देखिए, मतलब लोकल जो है ना अपाची के अंदर भी ऐसी, TVS के अंदर भी ऐसी क्वालिटी नहीं, सिंपल पेपर है। वहीं पे हीरो ने जो क्वालिटी दी है पेपर में, रुए रुए देख रहे हैं, मतलब मैं अपनी आंखों से लाइव देख रहा हूँ, एक अलग ही लेवल का फिल्टर है ये। देख रहे हैं ऊपर से हरा है, अंदर इसके वाइट कलर के रुए भरे हुए हैं, और अलग ही लेवल की क्वालिटी मानना पड़ेगा। जिस हिसाब से पैसे लिए हैं कंपनी ने हीरो की, उस हिसाब से क्वालिटी एक नंबर दी है। हीरो यहाँ पे मार्क जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ हीरो, और भाई उसके अलावा यहाँ पे और कुछ मेंशन है या नहीं है फिल्टर पे ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भाई कंप्लीट पार्ट नंबर इसने दिया हुआ है 17208AAT000000, और उसके अलावा तो डिज़ाइन इसका बिल्कुल यूनिक है। देख लीजिए हीरो iSmart का है, जो कि HF Deluxe BS6 में भी लगेगा। तो ये थी भाई हमारी BS6 और BS4 के एयर फिल्टर, जो कि BS4 का सिर्फ एक ही है वो भी ये वाला, और बाकी तो सारे BS6 के ही थे। अगर आपको BS6 की और गाड़ियों के भी एयर फिल्टर की अनबॉक्सिंग चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि BS6 के जितनी भी आपकी डिमांड है एयर फिल्टर की सब जल्दी से पूरी कर सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।